किसी स्कूल के अंदर मास्टर साहब आकर आपसे बच्चे हो ये पूछे कि दुनिया में जितने भी जीव हैं, इंसान भी एक जीव है, पशु भी जीव है, पक्षी भी जीव है, सब में बेस्ट जीव कौन सा है, तो बच्चा आधा मिनट भी नहीं लगाएगा और कहेगा कि इंसान है। ये बात बिल्कुल सही है। आज हम इस यहाँ पे बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं, कुर्सी लगी हुई है, हमने कपड़े पहन रखे हैं, मैं टोक जाऊंगा इसके लिए गाड़ी है, पंखे हैं, ये सुविधा जानवर तो नहीं कर सकता है, पशु तो नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब कि इस संसार के अंदर ये संसार जिसने भी बनाया उसने सबसे बेस्ट इंसान को बनाया, और ये बेस्ट इंसान, और अगर किसी स्कूल में ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है, तो बच्चे सोचेंगे गधेड़ा में बतावा कि उल्लू को नाम लेवा, वो सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे मूर्ख भी इंसान ही है। आज ये जो तबाही और बर्बादी हो रही है ये किसी जीव के कारण नहीं है, ये मनुष्य के कारण है, ये मनुष्य की गलती है। अभी मैं देख रहा था तो उसमें बताया कि ये डीजल, पेट्रोल, गैस और कोयला, ये चारों चीजों का तादाद से ज्यादा इस्तेमाल होने के कारण भी जलवायु परिवर्तन में बदलाव आया है। अब ये दुनिया जिसने भी बनाई उसने तो उसको जमीन में गाड़ के रखा है ना, इसी जानवर ने तो नहीं निकाला, ये इंसान ने निकाला ढूंढते ढूंढते। वो डीजल के पास गया, पेट्रोल के पास गया, कोयले के पास गया, गैस के पास गया, उसको निकाला अपनी जरूरत के लिए, और वो जरूरत के लिए निकालने के बाद में बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहा, मकान बना रहा, पहाड़ों को खोद रहा है, वो खुद को मर रहा है, लेकिन दुनिया के जितने भी जीव है उनको भी मारने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे बेस्ट जीव होने के लिए अगर हम धर्म के हिसाब से इसको देखें तो इस्लाम के अंदर ये आता है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल के जमीन पे फेंक दिया, तो आप निश्व सत्य आपके पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। तो अंजीर का पेड़ होता है उसके पत्तों को बांध करके आपने अपनी शरमगाहों को छिपाया। मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं, वजू से पहले मिसवाक करके अगर नमाज पढ़ो तो 70,000 गुना ज्यादा सवाब है। मिसवाक एक लकड़ी होती है जिससे दांत साफ करे। हिंदू धर्म के अंदर अगर हम देखेंगे तो पीपल को, बड़ को, खेजड़ को पूजा जाता है। वन्य जीवों को अगर हम देखेंगे तो हाथी को बड़े जी कहते हैं। भालू मैंने नचाने का काम किया तो उसके बारे में तो मुझे ज्यादा ही जानकारी है। भालू को जामुवंत कहते हैं। जामुवंत में 70,000 हाथियों का बल था। जामुवंत बूढ़े और दाने आदमी थे। जामुवंत के वचन सुन के हनुमान जी लंका में गए थे। जब रामायण में पाठ आता है ये जामुवंत के वचन सुनारे सुन देव हनुमान जी ललकारे। जामुवंत ने 27 रोज तक श्री कृष्ण भगवान से युद्ध किया। श्री कृष्ण भगवान की दूसरी पत्नी जामुवंत की बेटी थी। अगर उल्लू को देखेंगे तो वो लक्ष्मी का वरदान है, उसमें लक्ष्मी की विराजती है। शेर को अगर देखेंगे तो वो माता जी के यहाँ बैठा रहता है, और चूहे को देखेंगे तो उसपे गड़े, तो मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु शंकर भगवान के गले का हाथ सांप।